इसका जो दो गो हॉर्न था दोस्तों, निकाल के यहाँ देखिए इसमें फिट किए हैं। और यहाँ देखिए एक साथ डीजे वाला बॉक्स बना रहे हैं, इसका मतलब अपने से सेट उठ करके बना रहे हैं। इसको भी दोस्तों फिक्स करते हैं पूरा अच्छा से, डीजे बनाते हैं और आप लोग को भी इसका आवाज़ सुनाएंगे कितना मस्त इसका आवाज़ है। तो गाइज ये डीजे बॉक्स बना रहे हैं, अब इसका आवाज़ सुना दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों फिर चालू है, सिर्फ गाना नहीं बजाएं, गाना बजाते हैं देखिएगा। गाइज वॉल्यूम खोल लिया है, देखिए ये वॉल्यूम का ही है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम देखिए क्या है दोस्तों, अभी समझ में आया, यहाँ देखिए। तो गाइज ध्यान से अगर आप लोग करते हैं तो ध्यान से फिट कीजिएगा, बहुत ये नाजुक होता है ना। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद दोस्तों आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी का टाइम हो रहा है सुबह का, अभी 8 बज रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग अभी खेत में आए हुए हैं दोस्तों, अपना गाय को वहाँ पे दिया है दोस्तों, पेट अपना पेट पूजा कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं, मेरा एक होम थिएटर है दोस्तों घर में, तो अपने से ठीक करेंगे दोस्तों। उसको मतलब कि ख़राब हो गया, तो उसका बेस वेस भी ख़राब हो गया था दोस्तों, उसका सामान लाए दोस्तों बाजार से, अपने से ठीक करेंगे, देखते हैं ठीक होगा तो होगा, ये भी देखिएगा दोस्तों हम ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों घर, तो होम थिएटर को अभी ठीक करेंगे। तो दोस्तों चलिए तब चलते हैं दोस्तों घर और होम थिएटर को ठीक करेंगे। ये वो होम थिएटर है देखिए, ये ठीक करेंगे, इसका ये सामान लाएँ खरीद के। ये नया लाया है 150 रुपये का पड़ा है, चलिए अभी इसको फिट करेंगे। ये है वो होम थिएटर देखिए, इसको अभी खोलेंगे। ये सब इसका बॉक्स है, ये वाला नया खरीद कर लाए दोस्तों, अभी इसको खोलते हैं। तो गाइस देखिए खोल दिए हैं बूफर को दोस्तों, ये ख़राब था, ये पहले वाला है, ये शॉर्ट हो गया शायद। इसका ये फ्यूज देखिए दोस्तों, ये फ्यूज, ये दोनों फ्यूज भी उड़ा हुआ है, फिर भी ट्राई करेंगे वैसे लगा के चलता कि नहीं चलता है। चलिए अब इसको एक बार चेक करते हैं दोस्तों, इसका अभी टेस्ट करके दिखाते हैं ये क्या प्रॉब्लम इसमें आया, दिखाते हैं अभी एक मिनट। तो गाइस ये तो जोड़ दिए, अभी दिखाते हैं इसका आवाज़, ये गाना बजाएंगे, ये देते हैं इस पर देखिए, ये दे दिए, अभी गाना चालू कर रहे हैं। खराब है तो ये बेस ही नहीं दे रहा था, ये उछालेगा क्या, अब ये लगा के देखेंगे तब दिखाते हैं आपको। ये देखिए नया वाला भी फिर लगाए हैं, ये वाला दोस्तों पुराना वाला है, 8 इंची का दोस्तों ये है। अब ये पता नहीं कितना इंची का, उनको बोला है लेकिन हैवी नहीं लग रहा ये, इस ये बहुत हैवी है ये, लेकिन हैवी नहीं लग रहा है। तो भी इसका आवाज़ सुनाते हैं मेरे घर, ये बैटरी हम इस पर दे रहे हैं फिर ये। अब ये देखिए दोस्तों फिर चालू है, सिर्फ गाना नहीं बजाएं, गाना बजाते हैं देखिएगा ये। मतलब दोस्तों यही ख़राब था, अंदर में सेट करके तब इसका आवाज़ सुनाते हैं हम लोग, फिट कर देते हैं अंदर में। गाइस ये तो लगा तो दिए हैं देखिए, अब इसको पैक करके तब बजाएंगे क्या स्थिति है अभी दोस्तों। ये तो फिट अभी कर दिए दोस्तों, और एक प्रॉब्लम है इसमें दोस्तों, ये वॉल्यूम है ना दोस्तों, ये वॉल्यूम ख़राब हो गया इसमें, इस माचिस का ये तीली इसमें घुसा के दिए तब काम कर रहा है। अब इसको भी एक बार खोल के देखते हैं दोस्तों कि इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, ये वॉल्यूम चेंज, वैसे तो चेंज करना ही पड़ेगा, फिर भी हम देखते हैं खोल के, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नया खरीद के लाएंगे तब जाके अपना से लगाएंगे। फिलहाल भी इसको खोलते हैं, चलिए। तो गाइस वॉल्यूम खोल लिया है देखिए, ये वॉल्यूम का ही है दोस्तों, ये सब निकाल दिया है, और यहाँ पे वो पार्ट है जो खुले है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम देखिए क्या है दोस्तों, अभी समझ में आया, यहाँ देखिए दबाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए उठ रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये दो को पॉइंट देखिएगा, मतलब दोस्तों ये सोल्डिंग मांग रहा है, तो मेरे पास सोल्डिंग मशीन नहीं है, मतलब इसको सोल्डिंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पास सोल्डिंग मशीन नहीं है, इसका कोई और उपाय हमको लगाना पड़ेगा। मतलब हिल रहा है दोस्तों, इसी वजह से काम नहीं कर रहा है, इसको आप टाइट करना होगा कोई चीज़ से, इधर से हम कुछ दे देते हैं अंदर से ताकि टाइट हो जाएगा, चलिए ट्राई करते हैं दे करके। तो गाइज यहाँ पे एक वो करची दे दिए, यहाँ पे देखिए इसका अंदर में दे दिए, तो ये टाइट कर दिया, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट है दो को, ये पॉइंट मतलब उखड़ गया, तो इसको मतलब सटाने के लिए यहाँ पे टाइट किए हैं तो इधर सट गया। तो दोस्तों आप पूरा फिट करके आवाज़ इसका सुनाते हैं टेस्ट, हम भी अभी तक चेक नहीं किए दोस्तों, अभी चेक करके तब आप लोग को बताते हैं। और दोस्तों बूफर ठीक करने का देसी तरीका जो यही है, आप लोग भी अगर चाहते हैं तो ये वीडियो देख के ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों
मैंने कि ये इसमें ध्यान रखना होगा, ये लिए लगाने के लिए बहुत ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल अभी सेट करते हैं, फिर इसको पूरा फिट कर दिया, अब लाइन दे के बजा के देखते हैं। अभी आप लोग को आवाज़ सुनाते हैं पूरा बेस दे करके, पता नहीं दोस्तों ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अभी सुनाते हैं। देखिए तो गाइज बेस दे रहा है, लेकिन थोड़ा पहले से थोड़ा कम दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये हैवी वाला था, वो वाला थोड़ा लूज था, इसीलिए अभी आपको लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेस दे रहा है दोस्तों। अभी एक बार डीजे वाला अगर काम करता है तो आप लोग सुनाएंगे। गाइज मतलब बॉक्स तो ये पूरा ठीक हो गया दोस्तों, और ये जो दोस्तों है ये वाला दिख रहे दोस्तों, ये वाला, हाँ ये वाला, इसका जो दो गो हॉर्न था दोस्तों निकाल के यहाँ देखिए इसमें फिट किए हैं, मतलब वीडियो बनाना दोस्तों भूल गए थे, फिट कर दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अपने से ये कार्टून है, वही वाला जो लाए थे, ये वाला चुंबक, इसी का ये कार्टून है दोस्तों, इसी में फिट किया। और यहाँ देखिए एक ऐसा डीजे वाला बॉक्स बना रहे हैं, इसका मतलब अपने से सेट उट करके बना रहे हैं, इसको भी दोस्तों फिक्स करते हैं पूरा अच्छा से, डीजे बनाते हैं और आप लोग को भी इसका आवाज़ सुनाएंगे कितना मस्त इसका आवाज़ है। चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो गाइज ये डीजे बॉक्स बना लिए हैं, देखिए पूरा मस्त बन गया है, देखने में भी लग रहा है दोस्तों पूरा नया नया, देखिए कितना मस्त बना है। अब इसका आवाज़ सुना है दोस्तों, अभी दोस्तों इसमें सिस्टम ये है दोस्तों, एक वो कनेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ कनेक्ट करते नहीं बचता है, कम से कम एक वो बॉक्स दो वो बॉक्स कनेक्ट करते हैं तब जाके बचता है। तो देखिए फिलहाल अभी दो ये को लगा हुआ है दोस्तों, देखिए एक ऊपर एक नीचे लगा हुआ है ना, तो ये लगा हुआ है, ये दोस्तों सैमसंग का वो आता ना कंप्यूटर का उसका है, तो किसी से हम लिए हैं दोस्तों। अभी दोनों लगाते हैं तब सपोर्ट होता है, आप लोग को दोनों का आवाज़ सुनाते हैं। इसमें थोड़ा वो आवाज़ देता है, लेकिन इसमें आवाज़ दे रहा है बढ़िया। चला तो गाना तो दोस्तों अपने से तो ठीक कर लिए दोस्तों, मतलब कि चलने का लायक चल गया, मतलब हो गया ठीक, लेकिन बेस थोड़ा कम है दोस्तों, क्योंकि वो ओरिजिनल जो होता है वो तो नहीं है, डुप्लीकेट लगाए हैं तो बेस कम ही होगा ही। तो दोस्तों फिलहाल चलने का लायक हो गया, यही दोस्तों अगर बाज़ार में करवाते लगभग 500 रुपये लेता, तो अपने से ठीक कर लिए और आप लोग को भी दिखाएँ पूरा अच्छा से। तो दोस्तों अभी अब इस सबको सब समेट देते हैं और इसको लेके जाएंगे दोस्तों दुकान में फिट करेंगे, अपना बुफर को दुकान में लगाएंगे, दुकान में मतलब बैठते हैं अक्सर दुकान में, तो दुकान में रखेंगे। चलिए अभी फिलहाल इसको अभी यहाँ पे बजाते हैं, कुछ देर उसके बाद चलेंगे फिर दोस्तों। तो अभी आ गए हैं दुकान पे, मतलब पूरा बुफर दोस्तों ठीक करने में लगभग दोस्तों 4 घंटा मिनिमम लग गया, और अभी हम आ गए हैं दुकान पे, हम शाम से ही लगभग दुकान में ही है दोस्तों। और अभी का टाइम दोस्तों हो गया है 10:30, अभी का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो अभी तक हम दुकान में दोस्तों अभी दुकान बंद किए हैं, और दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों घर। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।